I am Abubakar. I have made a mathematics Chanel for my students, specially for first-year student as their course has been changed recently. Now KPK board book will be taught in first-year federal board colleges. This course has been uploaded almost 90% on my YouTube channel W Maths, and soon this task will be completed. I invite to take a look of this course and improve your understanding and grades. Thanks. Link is given in section or comment. Exercise 1.1 में हमारे पास question 1 है iota power 9 iota power 19. इसको हम simplify करने की खातिर जो हमारे पास iota square की value है minus 1, iota 4 की value है plus 1 और iota cube की value है minus iota, इन values का इस्तेमाल करके जो है find कर सकते हैं. सबसे आसान बात यह है कि हर value को अगर हम iota square के format में लिख दें तो फिर उसको simplify करना आसान हो जाता है. जैसे कि iota power 9 को पहले तो मैं इसकी even और even power इसकी लेदा कर देता हूं और बाकी हमारे पास जो 1 बचेगा उसको लेदा कर दूंगा. अगर power में 8 number है, जैसे कि यहां पे भी iota की power में 9 है और यहां पे भी iota की power में 19 है और ये दोनों 8 हैं, तो मैं इसको लिखता हूं iota power 8 plus 1 और 7 वाले iota 19 को लिखता हूं iota power 18 plus 1. तो ये हमने even जो हिस्सा था power का उसको लेदा कर दिया. अब हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं iota power 8 into iota, यहां पे iota power 18 into iota, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं मल्टीप्लिकेशन में. 8 plus 1 से दोबारा वही ऊपर वाला 9 आ जाएगा और यहां पे भी 18 plus 1 से ऊपर वाला 19 आ जाएगा. तो इसमें हमारा तरीका ये होता है कि अगर पावर इवन हो तो हम उसको iota power 2 होल पावर जो है जो बाकी बच जाने वाला फैक्टर है वो लिखते हैं, और अगर पावर ऑड हो तो हम इस तरीके से इसको ब्रेक करके लिखते हैं कि इवन हिस्सा जो है वो अलग हो जाए और जो हमारे पास बाकी 1 रह गया वो अलग हो जाए, ताकि हम बाद में उसके इस तरह से फैक्टर बना सकें. अब हमारे पास जो पावर में इवन नंबर आ चुका है हम उसको आसानी से डील कर सकते हैं. iota power 8 को मैं लिख सकता हूं iota power 2 whole power 4, 7 वाला iota as it is, और इस iota power 18 को भी iota power 2 whole power 9 और 7 वाला iota जो है वो as it is. तो हमारे पास ये लिखने के बाद iota square की value जो कि minus 1 है हम उसका इस्तेमाल करेंगे. minus 1 power 4 into iota, यहां पे भी minus 1 power 9 into iota, जिससे power अब चूंकि even है तो negative value की power जब even हो तो वो negative sign खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस तरह minus 1 power 2 हो तो minus 1 into minus 1 plus 1 होता है, उसी तरीके से minus 1 power 4 चूंकि pairing हो जाएगी लिहाजा सारे pair एक दूसरे के negative sign जो है वो cancel करते जाएंगे, इसलिए आप ये plus 1 बच जाएगा, plus 1 नहीं लिखते होते, लिहाजा सिर्फ हमारे पास ये iota रह गया. और इसी तरीके से यहां पे जो minus 1 power 9 है क्योंकि पावर ऑड है लिहाजा नेगेटिव साइन खत्म नहीं होगा बल्कि रहेगा. तो पावर इवन हो माइनस 1 की तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, और पावर ऑड हो माइनस 1 की तो फिर वो रहता है. और ये जो 7 वाला iota है वो एज इट इज, इससे हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना iota माइनस iota, और ये अब माइनस iota प्लस iota एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लिहाजा हमारा आंसर 0 आ जाएगा. क्वेश्चन 1 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें है माइनस iota पावर 23. तो सबसे पहले तो चूंकि पावर ऑड है और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है तो हम इस नेगेटिव साइन को रहने देंगे और ये खत्म नहीं होगा. अगर पावर इवन होती तो नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाता, तो ये बनेगा माइनस iota पावर 23. अब जो पावर में 23 है ये ऑड है, मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूं, और ब्रेक करके लिखने की सूरत में मैं इसको लिखता हूं 22 plus 1. तो इवन नंबर को हम अलग कर लिया करते हैं और बाकी बच जाने वाला जो 1 है उसको हम अलग कर लिया करते हैं, जिस तरह कि हमने पीछे के सवाल में किया. और अब मैं इस iota पावर 22 को अलग और जो दूसरा पावर में 1 है उसमें iota पावर 1, लेकिन हम पावर में 1 नहीं लिखते होते, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, यानी कि सिर्फ iota लिखेंगे. तो और ये अंडरस्टूड है कि इसकी पावर में हमने कुछ नहीं लिखा तो 1 है. अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा हमारे पास 22 plus 1 23 आता है. ऐसा लिखने के बाद हमारे पास जो iota power 22 है मैं उसको iota power 2 whole power 11 लिखता हूं into iota. तो ये पावर में इवन नंबर लाने का मकसद यही होता है कि हम उसको iota square की पावर की सूरत में लिख सकें. तो वैसे तो हम iota 4 और iota cube वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका यही है कि पावर को
का इवन हिस्सा अलहदा करके उसको आयोटा स्क्वायर की पावर की सूरत में लिखा जाए और फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट कर दी जाए। तो यहाँ पे मैं माइनस वन पुट कर देता हूँ, सात वाला आयोटा एज इट इज़। और अब हमारे पास चूँकि पावर आठ है, तो हमारे पास इस आठ पावर की वजह से माइनस वन रहेगा। अब पावर को मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ माइनस वन को लिख रहा हूँ। अगर ये पावर इवन होती तो मैं इस माइनस वन को प्लस वन कर देता, बाहर वाला आयोटा एज इट इज़। तो माइनस माइनस प्लस, और अब हमारे पास आंसर में सिर्फ आयोटा रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, माइनस वन पावर माइनस 23/2। सबसे पहले तो इसको अगर हम सॉल्व करने खातिर, जो पावर में नेगेटिव साइन है इसको ख़त्म करने खातिर, मैं यूँ करता हूँ कि मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ। इससे बनेगा 23/2। और एक बात जहन में रखनी चाहिए कि कोएफिशिएंट का साइन जो है वन के, जो वन है उसका हमारे पास साइन जो माइनस है वो प्लस नहीं होगा, सिर्फ पावर में जो नेगेटिव साइन है वो प्लस होगा। अब हमारे पास जो इसमें माइनस वन की पावर में 23/2 है, अगर मैं उसको तोड़ के लिखूं तो 1/2 में लिखता हूं इस ब्रैकेट के बाहर, माइनस वन के जो हमारे पास ब्रैकेट है, और उसके बाद जो दूसरी ब्रैकेट मैंने लगाई है यहाँ पर मैं 23 लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास रूल है पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड। तो 1/2 और 23 को मल्टीप्लाई करने से दोबारा 23/2 आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने का मकसद ये था कि माइनस वन पावर 1/2 जो है ये असल में हमारे पास आयोटा की वैल्यू है। तो माइनस वन पावर 1/2 या माइनस वन अंडर रूट, ये आयोटा के बराबर होता है। तो इससे हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया और पावर में 23। अब जो है हमें उसको अपने जो मेथड है कि अगर पावर आठ हो तो हम उसको तोड़ के लिखते हैं आयोटा की 22+1 करके हमने लिख दिया ताकि पावर में इवन हिस्सा आ जाए। और इसमें जो आयोटा पावर 22 है उसको मैं अलग लिखता हूँ और आयोटा पावर 1 जो है उसको अलग लिखता हूँ, लेकिन आयोटा की पावर में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। अब हमारे पास ये बच जाएगा आयोटा पावर 22, जिसको कि मैं आयोटा पावर 2 होल पावर 11 लिख सकता हूँ। और आयोटा की पावर जो 2 है उसकी वैल्यू लगा देते हैं जो कि माइनस वन है, माइनस वन पावर 11 इंटू आयोटा। अब चूंकि पावर 8 है नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा, तो माइनस वन पावर 11 को जो है मैं माइनस वन ही रहने देता हूँ। अब पावर जो हमारे पास 11 थी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू आयोटा, जिससे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा जो है उसको ख़त्म करने की खातिर, इसकी रैशनलाइजेशन करने की खातिर, जो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट है प्लस आयोटा, उसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1/-आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, डिनोमिनेटर में भी आयोटा। तो ये हमने डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन की खातिर इसके कॉन्जुगेट से यानी कि प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, न्यूमिरेटर में आयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर का माइनस आयोटा स्क्वायर है, माइनस को तो हम एज इट इज़ लिखते हैं और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि माइनस वन बनती है वो लगा देते हैं, जिससे हमारा आंसर न्यूमिरेटर में आयोटा और नीचे प्लस वन माइनस माइनस प्लस, जो कि सिंपली आयोटा के इक्वल आ गया, जो कि हमारा आंसर है इस केस में। क्वेश्चन नंबर वन में जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, माइनस वन पावर 15/2, इसको भी हम डील करने खातिर माइनस वन पावर 1/2 और होल पावर 15। तो मैंने इसकी पावर को ब्रेक करके लिखा, जो माइनस वन के ऊपर पावर है वो 1/2 डाल दी, और 1/2 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 आएगा, लिहाजा एक और ब्रैकेट लगा के उस पर 15 लगा दिया। अब जो माइनस वन पावर 1/2 है, जिस तरह हमने पीछे माइनस वन पावर 1/2 को आयोटा लिखा, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इसको आयोटा लिख देते हैं, माइनस वन पावर 1/2, और बाहर जो पावर 15 है वो एज इट इज़। अब इसकी पावर को हम ब्रेक करते हैं, ये बनेगा आयोटा पावर 14+1। अगर पावर इवन होती है तो डायरेक्ट हम इसको आयोटा स्क्वायर और बाकी बच जाने वाला फैक्टर लिखते, लेकिन जब भी पावर आड होती है तो हम इस तरीके से इसको तोड़ते होते हैं कि इवन हिस्सा अलहदा हो जाए और वन जो है वो अलहदा हो जाए। इसको लिखा जा सकता है आयोटा पावर 14 इंटू आयोटा। अब जब आयोटा को हमने अलहदा कर दिया तो अब इसकी पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आयोटा पावर 14 को आयोटा पावर 2 होल पावर 7, और साथ वाला जो आयोटा है वो एज इट इज़।
अब आयोटा पावर 2 की वैल्यू जो कि -1 है वो लगा देते हैं, होल पावर 7 इंटू आयोटा पावर 8 है -1 की, लिहाजा नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा। अगर पावर इवन होती तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता, -1 इंटू जो आयोटा है वो एज इट इज़, तो -1 इंटू आयोटा इज़ माइनस आयोटा, जो कि इस केस में हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले जो हमारे पास पावर में इवन वैल्यूज़ हैं उनको हम डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर का जो है वो बाकी बचाने वाला फैक्टर लिखेंगे, और जो हमारे पास आठ हैं जैसे आयोटा पावर 107 और आयोटा पावर 153, तो इनको हम ब्रेक करके लिखेंगे। यानी कि मैं आयोटा पावर 107 को लिखता हूँ 106 प्लस 1, साथ में जो आयोटा पावर 112 है उसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, आयोटा पावर 122 इसको भी एज इट इज़ लिखता हूँ, अलबत्ता ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को डील कर रहा हूँ। आयोटा पावर 153 जो है इसको मैं आयोटा पावर 152 प्लस 1 करके लिखता हूँ। तो जो पावर हमारे पास इवन ऑड थी उसको मैंने तोड़ के लिखा 107 और 153, और जो पावर इवन है उसको एज इट इज़ लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूँ कि पावर को तोड़ के जो हमने जिस हिसाब से तोड़ा है तो आयोटा वाला जो फैक्टर बच जाएगा उसको मैं अलहदा करके लिखता हूँ, आयोटा पावर 106 इंटू आयोटा, यहाँ पर आयोटा की पावर 1 लिखना मुनासिब नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे भी आयोटा पावर 112 फ़िलहाल एज इट इज़, आयोटा पावर 122 एज इट इज़, यहाँ पे आयोटा पावर 152 इंटू आयोटा, जो ये 1 था उसका फैक्टर आयोटा की सूरत में हमने अलहदा लिख दिया। अब हम आयोटा पावर 106 को लिख सकते हैं आयोटा पावर 2, और 106 को जब 2 पर डिवाइड करें तो 53, साथ वाला आयोटा एज इट इज़। अब इस आयोटा पावर 112 को भी आयोटा पावर 2, और बाकी बच जाने वैल्यू हमारे पास बनती है 2 5s are 10 और 2 5s are 12। आयोटा पावर जो 122 है उसको अगर हम तोड़ के लिखें तो आयोटा पावर 2 और 2 122 को जब डिवाइड करेगा तो 2 6s are 12 और 2 2 1s are 2। इसके साथ जो आयोटा पावर 152 है आयोटा पावर 2 और 152 को 2 पर डिवाइड करें 2 7s are 14 और 2 6s are 12 इंटू आयोटा। तो अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास इवन पावर की एडजस्टमेंट हो चुकी है हमने उसको आयोटा स्क्वायर और फिर बाकी बच जाने वाला फैक्टर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हर जगह पे -1 लगा देते हैं, -1 पावर 53 इंटू आयोटा, यहाँ पे भी -1 पावर 56, -1 पावर 61, -1 पावर 76 इंटू आयोटा। और अब जहाँ पे पावर आठ होगी -1 की तो -1 रहेगा, और जहाँ पे पावर इवन होगी तो नेगेटिव साइन को हम ख़त्म कर देंगे, तो ये -1 रहेगा क्योंकि इसकी पावर 8 है इनटू आयोटा। ये जो -1 पावर 56 है ये ख़त्म हो जाएगा इसकी, यानी कि इसको हम +1 करके लिखेंगे क्योंकि पावर इवन है, तो मैं इसको +1 करके लिखता हूँ। इसी तरीके से जो ये -1 पावर 61 है तो पावर 8 है, नेगेटिव साइन रहेगा, और इसी तरीके से ये जो -1 पावर 76 है चूँकि पावर इवन है तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, इसको मैं सिंपली +1 करके लिखता हूँ इनटू आयोटा। अब हमारे पास पहली टर्म माइनस आयोटा रह गई, दूसरी टर्म 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस आयोटा, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और +1 -1 के साथ कैंसिल, लिहाजा हमारा आंसर 0 आ जाना चाहिए, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है कि इनको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दें, इनका एडिशन आसान है, इसमें बस सिर्फ इस बात को याद रखें कि आयोटा को हम जिस तरह अलजेब्रा में एक्स को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी आयोटा को एज एक्स ट्रीट करेंगे, इसकी वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, और हम इसको जो है अपने अलजेब्रिक मेथड के साथ जो आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो पहले की जब मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो ये बनेगा 3 into 1 3, 3 into 2 6 6 आयोटा, और हमने इसको प्लस करना है जो दूसरी वैल्यू है -2, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 times 3 6 6 आयोटा। तो ये अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनको मैंने क्लियरली लिख दिया सिंप्लीफाई करके, और इनको हमने चूंकि ऐड करना है लिहाजा मैं इनको प्लस कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास बनेगा 3
नेक्स्ट स्टेप में मैं लाइक टर्म्स को अगर इकट्ठा कर लूँ तो 3 और माइनस 2 ये लाइक टर्म्स हैं, और इसी तरीके से 6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो पहले हमने ब्रैकेट्स को सिंपलीफाई किया, चूँकि हमें ऐड करना था बीच में प्लस का साइन लगा दिया, उसके बाद लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा कर दिया, तो 3 माइनस 2 से 1 आता है और 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा से 12 आयोटा आता है। ये दोनों चूँकि अनलाइक टर्म्स हैं लिहाजा इनको ऐड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें ऐड करने की खातिर जो कि हमको दो नंबर्स गिवन हैं, तो ये मैं इनको अगर सिंपलीफाई करके लिखूं तो इसमें तो खैर सिंपलीफाई नहीं हो रहे, बीच में अगर इनका प्लस साइन लगा के इनको लिखूं तो 1/2 माइनस 2/3 अयोटा और प्लस 1/4 माइनस 1/3 अयोटा, ये हमने इनका सम मालूम करने खातिर बीच में प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद लाइक टर्म्स को अगर हम इकट्ठा करें तो ये फॉर्मेशन हमारे पास बनती है 1/2 प्लस 1/4 और माइनस 2/3 आयोटा एंड माइनस 1/3 आयोटा। ऐसा करने से हमारे पास 1/2 और 1/4 इनको सॉल्व करने की खातिर अगर मैं इनके डिनोमिनेटर बराबर कर दूं तो 1/2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूं, डिवाइड भी करता हूं ताकि दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो जाएं 1/4 एज इट इज़। इन दोनों में से मैं माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर 2/3 प्लस 1/3 रह जाएगा। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल हैं लिहाजा हमें इसमें कोई ख़ास वर्किंग की ज़रूरत नहीं, यह बनेगा 2/4 प्लस 1/4 और माइनस अयोटा ये बनेगा 2/3 और 1/3, चूँकि इनके डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हैं तो मैं डायरेक्ट एलसीएम लेके ऊपर न्यूमिरेटर जो है वो ऐड कर देता हूँ 2 + 1 = 3। यहाँ पे भी अब हमने डिनोमिनेटर चूँकि आपस में इक्वल कर दिए हैं तो यहाँ पे भी 2 + 1 हमारे पास न्यूमिरेटर में आ जाएगा और न्यूमिरेटर को हमने ऐड कर दिया तो माइनस एटा 2 + 1 = 3/3। तो ये बनता है सिंपलीफाई करके 2 + 1 = 3/4 माइनस अयोटा, 3 3 को कैंसिल कर देगा तो 3/4 माइनस अयोटा हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें भी जो दो फैक्टर्स हमको गिवन हैं उनको ऐड करने की खातिर सबसे पहले तो हम इसको अयोटा के फॉर्मेट में लिखते हैं। अयोटा के फॉर्मेट के हिसाब से ये है कि पॉइंट ए कामा बी को हम अलजब्रिकली ए प्लस योटा बी जो वेक्टर है उसके इक्वल ले लिया करते हैं। वैसे तो इससे मुराद पॉइंट है और इससे मुराद वेक्टर है, लेकिन हम अपने अलजब्रिक जो मैनिपुलेशन है उसकी उसको सिंपलीफाई करने की खातिर या उसको सिंपल रखने की खातिर इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल ले लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को योटा के फॉर्मेट में लिखता हूँ। ये जो पहली ब्रैकेट ए बनेगी √2 + 1 × योटा, और जो हमारे पास दूसरी ब्रैकेट है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 + √2 अयोटा। तो जो कामा के बाद वाली वैल्यू है उसके साथ हमने अयोटा लगा देना है। यहाँ पे भी कामा के बाद √2 है उसके साथ भी हमने अयोटा लगा दिया। अब हमारे पास सिंपलीफाई करने से ये बनेगा √2 + अयोटा + 1 + √2 अयोटा, और लाइक टर्म्स को अगर मैं इकट्ठा करूं तो √2 और 1 इकट्ठी होंगी और अयोटा और √2 अयोटा इकट्ठा होगा, सो √2 + 1 और अयोटा √2 अयोटा। √2 + 1 आपस में ऐड नहीं किए जा सकते, एज इट इज़ लिखे जाएंगे, और यहाँ इन दोनों में से अयोटा काम लेने की सूरत में 1 + √2 बच जाएगा। इनको भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये हमारा जो है आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको लिखूंगा सबसे पहले तो अयोटा के फॉर्मेट में, तो a प्लस 0 अयोटा और माइनस 2 माइनस बी अयोटा, ये हमने मालूम करना है। तो a कामा 0 को जब अयोटा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कामा के बाद जो वैल्यू है कामा को हटा के उसकी वजह बस समझेंगे अयोटा लगा दिया, यहाँ पर भी कामा की वजह अयोटा लगा दिया, तो अब हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ज़रा वाजे हो गए, और बीच में अब हमने नेगेटिव साइन लगा दिया क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। इसके बाद अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ, a प्लस 0 अयोटा और माइनस जो साइन है ब्रैकेट के बाहर ये अंदर के साइन चेंज कर देगा, -2 माइनस माइनस प्लस b अयोटा। अगला स्टेप
लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना तो ए माइनस टू के साथ इकट्ठा हो जाएगा और ज़ीरो आयोटा अभी आयोटा के साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो ए माइनस टू तो एज इट इज़ रहेगा, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो बाकी हमारे पास प्लस बी आयोटा बच गया। इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं की जा सकती। तो ये हमारा आंसर हो गया, रियल पार्ट जो है वो ए माइनस टू और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो बी, बल्कि रियल पार्ट को ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट करने की खातिर उसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन फोर का सेकंड पार्ट है सब्ट्रैक्शन के लिए, सबसे पहले तो मैं इसको आयोटा के फॉर्मेट में लिखता हूँ, माइनस थ्री प्लस वन बाई टू आयोटा, माइनस थ्री प्लस वन बाई टू आयोटा। अब हमारे पास माइनस थ्री प्लस वन बाई टू आयोटा और नेगेटिव साइन को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री माइनस वन बाई टू आयोटा प्लस वन बाई टू आयोटा, माइनस वन बाई टू आयोटा को हम आपस में कैंसिल कर देते हैं। तो माइनस थ्री और माइनस थ्री जो कि लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करके माइनस सिक्स लिख देते हैं। तो इस हिसाब से माइनस सिक्स हमारा आंसर हुआ। अच्छा, बुक के जवाब के हिसाब से चूंकि हमें वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग मेंशन करना चाहिए, तो इसमें जो रियल पार्ट है वो तो माइनस सिक्स है और आयोटा के साथ जो है कोई टर्म नहीं है, तो हम उसको ज़ीरो आयोटा लिख देते हैं ताकि पता लगे कि इसका रियल पार्ट माइनस सिक्स है और इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर फोर का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें भी सबसे पहले तो हम इसको ये चूंकि ऑलरेडी आयोटा के फॉर्मेट में है लिहाजा हमें आयोटा के फॉर्मेट में लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम सबट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो इस कामों के बजाय बीच में नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, थ्री अंडर रूट थ्री माइनस फाइव अंडर रूट सेवन आयोटा माइनस अंडर रूट थ्री प्लस टू अंडर रूट सेवन आयोटा। अब सिंप्लीफाई करने खातिर थ्री अंडर रूट थ्री माइनस फाइव अंडर रूट सेवन आयोटा माइनस अंडर रूट थ्री माइनस टू अंडर रूट सेवन आयोटा। लाइक टर्म्स के हिसाब से ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनमें आयोटा शामिल है। सो थ्री अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री और माइनस फाइव अंडर रूट सेवन आयोटा और माइनस टू अंडर रूट सेवन आयोटा। इसमें से मैं अंडर रूट थ्री कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों वैल्यूज़ में से, ब्रैकेट के अंदर थ्री माइनस वन रह जाएगा। इसमें से मैं माइनस अंडर रूट सेवन आयोटा कॉमन ले सकता हूँ, इसके पास फाइव रह जाएगा और इसके पास टू रह जाएगा। नेगेटिव साइन भी हमने चूँकि कॉमन ले लिया, लिहाजा हम ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करके लिख रहे हैं। तो ये थ्री माइनस वन से बनेगा टू, टू इंटू अंडर रूट थ्री, और ये बनेगा फाइव प्लस टू सेवन, सेवन अंडर रूट सेवन आयोटा, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में भी हम इसी बात का ख्याल रखेंगे कि आयोटा को एक्स की तरह से हमने ट्रीट करना है, जिस तरह के हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और बाद में उसकी वैल्यू भी लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एट आयोटा प्लस इलेवन और जो दूसरी वैल्यू है माइनस सेवन प्लस फाइव आयोटा, इन दोनों को मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ और उनके बीच में कोई साइन नहीं लगाता हूँ, जिससे जिसका मतलब यह है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने में हमारे पास पहले एट आयोटा को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इलेवन को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एट आयोटा इंटू माइनस सेवन माइनस एट टाइम सेवन इज़ फिफ्टी सिक्स आयोटा, और एट आयोटा इंटू फाइव आयोटा इज इक्वल टू एट टाइम फाइव इज़ फोर्टी आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास इलेवन को माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेवेंटी सेवन, और प्लस 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 इलेवन इंटू फाइव फिफ्टी फाइव आयोटा स्क्वायर, जिससे कि माइनस फिफ्टी सिक्स आयोटा फिलहाल एज इट इज़। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जहाँ जहाँ पे हमें नज़र आ रही है हम उसको तो 14 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन, ये बनेगा माइनस सेवेंटी सेवन एज इट इज़। और 11 इंटू फाइव फिफ्टी फाइव आयोटा, आयोटा स्क्वायर ये मुझसे गलती से हो गया, सिर्फ आयोटा ही आएगा, तो प्लस 55 आयोटा। इसके हिसाब से मेरे पास जो लाइक टर्म्स बनती हैं ये दो बनती हैं और ये दो बनती हैं। तो
फोर्टी इंटू माइनस वन से जो माइनस फोर्टी बनता है उसको मैं शुरू में लिख देता हूँ, उसके बाद माइनस सेवेंटी सेवन लिख देता हूँ, उसके बाद ये जो दो लाइक टर्म्स का पेयर बन रहा है माइनस फिफ्टी सिक्स आयोटा प्लस फिफ्टी फाइव आयोटा, तो माइनस फोर्टी और माइनस सेवेंटी सेवन से मेरे पास बनता है जी सेवन, और सेवन प्लस फोर इलेवन, और इन दोनों में से मैं अगर आयोटा कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर माइनस फिफ्टी सिक्स प्लस फिफ्टी वन, वैसे इसको डायरेक्ट ही प्लस वन माइनस वन लिखा जा सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके जहन में मेथड रहे कि क्या करना है, आयोटा कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ बच जाएगा उसको बाद में आप सिंप्लीफाई कर लें। तो माइनस वन वन सेवन और माइनस फिफ्टी सिक्स प्लस फिफ्टी वन से माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा, लिहाजा ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको मल्टीप्लाई करने खातिर पहली वैल्यू को भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ थ्री आयोटा, और दूसरी ब्रैकेट को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो टू इंटू वन टू, और टू इंटू माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा, और बीच में हमने कोई साइन नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने खातिर थ्री आयोटा को अंदर दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे बनेगा थ्री आयोटा इंटू टू सिक्स आयोटा, और थ्री आयोटा जब सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिक्स आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा की वैल्यू हम नहीं लिखते होते और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हम लिखते होते हैं जो कि माइनस वन है, लिहाजा इसका रियल पार्ट माइनस सिक्स इंटू माइनस वन प्लस सिक्स हो गया, उसको हम शुरू में लिख देते हैं, और इसका जो इमेजनरी पार्ट है सिक्स आयोटा के साथ एज ए कोफिशेंट तो वो हम बाद में लिख देते हैं, तो सिक्स आयोटा, तो ये हमारे पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट हो गया, यानी कि पहले रियल पार्ट फिर इमेजनरी पार्ट, तो ये जो है इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव का जो थर्ड पार्ट है उसकी खातिर भी इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने की खातिर पहले मैं इनको ब्रैकेट में लिख देता हूँ अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा मल्टीप्लाइड बाय टू अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा। अब अंडर रूट टू को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा टू और अंडर रूट टू का स्क्वेयर, जिस तरह एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर होता है तो एक्स इंटू टू एक्स टू एक्स स्क्वेयर। अब जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो टू थ्री के साथ मल्टीप्लाई होके सिक्स हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों का पावर सेम है, इस पे भी अंडर रूट लगा हुआ है इस पे भी अंडर रूट लगा हुआ है, तो टू इंटू थ्री सिक्स। अगर ये एक अंडर रूट में होता और दूसरा अंडर रूट में ना होता तो फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, तो अंडर रूट सिक्स और साथ में आयोटा। अब जब इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थ्री सिर्फ इस थ्री से मल्टीप्लाई इस टू से मल्टीप्लाई होगा, इस टू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इन इसका और इसका जो पावर है वो सेम नहीं है, तो प्लस टू थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स आयोटा, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री एक दफ़ा फिर अंडर रूट थ्री का स्क्वेयर, जिस तरह एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वेयर होता है, और साथ में आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर। और अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए टू अंडर रूट टू का स्क्वेयर टू, क्योंकि स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देगा, माइनस अंडर रूट सिक्स आयोटा, यहाँ पे भी प्लस टू अंडर रूट सिक्स आयोटा, चलें इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले लेते हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सकें। अंडर रूट थ्री का स्क्वेयर जो है वो थ्री रह जाएगा क्योंकि स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देगा, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन, तो टू टाइम टू इज़ फोर, और ये दोनों दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये लाइक टर्म्स बन रही हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री, इन दोनों वैल्यूज़ में से मैं माइनस भी कॉमन ले सकता हूँ और जो अंडर रूट सिक्स है वो भी कॉमन ले सकता हूँ और आयोटा भी कॉमन ले सकता हूँ, तो बेहतर यह है कि मैं सिर्फ प्लस अंडर रूट सिक्स आयोटा कॉमन लूँ ताकि साइन में कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ पे माइनस वन बचता है और इसके पास प्लस टू बचता है, सो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस थ्री जो है वो मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ, तो फोर प्लस थ्री सेवन, और माइनस वन प्लस टू से हमारे पास आंसर है प्लस वन, प्लस वन को अंडर रूट सिक्स आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा, लिहाजा सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स आयोटा जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है कि डिवाइड करें और फिर उसको सिंप्लीफाई करके लिखें ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में, वो है फोर प्लस आयोटा थ्री प्लस फाइव आयोटा। इसमें हमारे पास जो एम स्टेप होता है वो ये कि हम डी नॉमिनेटर के हिसाब से रैशलाइजेशन करते हैं,
तो 3 + 5 iota जो कि डिनोमिनेटर की वैल्यू है, इसका कॉन्जुगेट 3 - 5 iota से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 - 5 iota से हम डिवाइड भी करेंगे। ये हमारा खास स्टेप है, उसको हम स्टार स्टेप कह देते हैं, कि हमने डिनोमिनेटर जो है 3 + 5 iota उसके कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा कंटेनिंग टर्म का साइन चेंज कर दें। तो 3 का साइन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ 5 iota का साइन चेंज करके -5 iota लिखेंगे, उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो एक तरह से 1 से मल्टीप्लाई किया जिससे एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ऊपर दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 × 3 = 12, 4 × -5 iota -20 iota। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करें इन दोनों वैल्यूज के साथ तो 3 iota × 3 = 3 iota और iota × -5 iota -5 iota². तो पहले मैंने 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, सो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जिससे अब ये बन जाएगा 12 -20 iota और +3 iota को मैं -17 iota लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जो आयोटा स्क्वेयर है उसकी वजह मैंने -1 लगा दिया। 3 का स्क्वेयर 9, 5 का स्क्वेयर 25, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1। और इसकी अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जाए तो मेरे पास 12 और ये जो +5 बनेगा, ये लाइक टर्म्स हैं, उनको मैं इकट्ठा कर देते हैं, 12 + 5 और -17 iota को हम बाद में लिख देते हैं, ये बनेगा 9 + -+ +25 × 125। और अब हमारे पास 12 + 15 से बनेगा 27 -17 iota एज इट इज़। और नीचे हमारे पास बना जी 9 + 25 से 34। तो इसको अगर मैं रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट लेदर करूँ तो 27/34 -17/34 iota। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई कि माइनस माइनस प्लस +5 आता है, +15 नहीं आता। तो 12 + 5 से यहाँ पे भी 27 नहीं बल्कि 17 आएगा, ये भी 17 आएगा, तो दोनों 17/34 है और 34 17 पे कैंसिल होता है, लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया 17/34 से 1/2, और यहाँ पे भी 17/34 से 1/2 iota। तो अब हमारा जो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है वो इलादा इलादा हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करने की खातिर भी, सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है -8 + iota, इसके कॉन्जुगेट -8 - iota के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और -8 - iota से हम डिवाइड भी करते हैं। इसमें जहन में रखें कि हमने जो डिनोमिनेटर में -8 है उसका साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ आयोटा कंटेनिंग टर्म जो थी +iota उसका साइन चेंज करके हमने -iota कर देना और उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब हमारे पास न्यूमरेटर में -8 - iota और डिनोमिनेटर में -8 + iota इन -8 - iota, ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वेयर -b² तो इससे हमारे पास सिंप्लीफाई करने से -8 - iota न्यूमरेटर का एज इट इज़, डिनोमिनेटर में -8 का स्क्वेयर + 64, चूँकि पावर इवन है नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इस आयोटा स्क्वेयर की वजह हम -1 लिख सकते हैं। तो -8 - iota और डिनोमिनेटर में 64 + 1 -8 - iota डिवाइड बाई 65। अब अगर हम रियल और इमेजनरी पार्ट लहदा करें तो -8/65 और -1/65 iota। तो ये हमारा जो है ए प्लस iota बी का फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है 1/7 - 3 iota, उसको सॉल्व करने की खातिर 7 - 3 iota का जो कॉन्जुगेट है 7 + 3 iota, इसे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसे हम डिवाइड भी करते हैं। ये करने की सूरत में न्यूमरेटर में रह जाएगा 7 + 3 iota और डिनोमिनेटर में अब हमारे पास ये -ba + b का फार्मूला बनता है, सो ए स्क्वेयर -b². तो न्यूमरेटर में 7 + 3 iota एज इट इज और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 का स्क्वेयर 49, 3 iota के स्क्वेयर के हिसाब से 3 का स्क्वेयर 9, iota स्क्वेयर की वैल्यू -1।
सो 7 प्लस 3 आयोटा, और ये डिनोमिनेटर में 49 प्लस 9, 49 और 9 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 9 प्लस 9 18, 4 प्लस 1 5। लिहाजा अगर रियल और इमेजनरी पार्ट को अलहदा करें तो 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो फोर्थ पार्ट है 6 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, इसको भी सिंप्लीफाई करने की खातिर जो डिनोमिनेटर में आयोटा है उसका कंजुगेट क्या बनेगा, माइनस आयोटा। उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो कंजुगेट डिनोमिनेटर के हिसाब से लेना है, न्यूमिरेटर के हिसाब से नहीं, यानी कि 6 माइनस और आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि डिनोमिनेटर आयोटा के कंजुगेट माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इस सूरत में न्यूमिरेटर में आप माइनस आयोटा को अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बनेगा माइनस 6 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा माइनस आयोटा स्क्वेयर। तो अब माइनस 6 आयोटा एज इट इज़ आयोटा स्क्वेयर की बजाय हम यहाँ पे माइनस 1 लगा देते हैं, और डिनोमिनेटर में भी जो आयोटा स्क्वेयर उसकी बजाय माइनस 1 लगा देते हैं। तो ऊपर हमारे पास माइनस 6 आयोटा बना, माइनस माइनस प्लस 1, नीचे भी माइनस माइनस प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में प्लस 1 नहीं लिखते होते, तो इसमें रियल पार्ट 1 हो गया और इमेजनरी पार्ट माइनस 6, उसके साथ आयोटा जो है वो हम लिख देते हैं। तो ये प्लस आयोटा बी का फॉर्म हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है कि जेड वन प्लस जेड टू होल मॉडुलस हमने मालूम करना है। तो मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि अगर जेड ए प्लस आयोटा बी है तो जेड मॉडुलस जो है वो ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसमें जो है अंडर रूट लगता है और आयोटा नहीं लगता। तो सबसे पहले तो हम जेड वन प्लस जेड टू मालूम कर लेते हैं, उसकी खातिर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, और इनको अगर आप उसमें ऐड करें तो लाइक टर्म्स के हिसाब से 1 और 2 को ऐड करने से 3 आएगा, और 2 आयोटा और 3 आयोटा को ऐड करने से हमारे पास 5 आयोटा आ जाएगा। अब जो चूंकि फॉर्म ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है, लिहाजा ये फार्मूला जिसको अभी हमने मेंशन किया उसको अप्लाई करने की सूरत में जेड वन प्लस जेड टू मॉडुलस इक्वल्स टू यहाँ पे 3 का स्क्वेयर जो रियल पार्ट है और जो इमेजनरी पार्ट है उसका स्क्वेयर, और इसमें एक दफ़ा फिर मैं मेंशन कर दूँ कि आयोटा नहीं लगाते, तो 3 का स्क्वेयर 9 और 5 का स्क्वेयर 25, लिहाजा हमारा आंसर जो है वो अंडर रूट 34 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है जेड वन जेड टू मॉडुलस मालूम करना है। तो सबसे पहले तो जेड वन जेड टू की जो वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन 7 में वो हम लगा देते हैं, उनको मल्टीप्लाई पहले करते हैं। मल्टीप्लाई करने की सूरत में हमारे पास 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 आयोटा 3 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा, और 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा 6 आयोटा स्क्वेयर। इसकी सिंप्लीफिकेशन की सूरत में 2 एज इट इज 3 आयोटा और 4 आयोटा 7 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर तो 2 प्लस 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की बजाय जो उसकी वैल्यू है माइनस 1 वो लगा देते हैं। अब 2 के साथ ये जो प्लस माइनस 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 6 है ये दोनों लाइक टर्म्स बनेंगी, इनको इकट्ठा कर देते हैं और 7 आयोटा जो है वो आखिर में। तो ये हमारे पास जेड वन इंटू जेड टू की वैल्यू बना रहे हैं 2 और माइनस 6 से माइनस 4 प्लस 7 आयोटा। अब ये प्लस आयोटा बी का फॉर्म बन गया, तो इस फार्मूले को लगाने से जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो माइनस 4 का स्क्वेयर और 7 का स्क्वायर है, आयोटा इसमें नहीं लिखना। तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, जिससे हमारा आंसर आएगा 6 प्लस 9 15, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 अंडर रूट 65। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका थर्ड पार्ट है, हमारे पास जेड वन जेड टू की वैल्यू है, उसके जेड वन डिवाइड बाई जेड टू का मॉडुलस मालूम करना है।
तो मैं अगर Z1 बाय Z2 की वैल्यू पहले मालूम करूं, जो कि है 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 अयोटा। तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर के हिसाब से रैशनलाइजेशन कर देते हैं। 1 प्लस 2 अयोटा, 2 प्लस 3 अयोटा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 प्लस 3 अयोटा के कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 अयोटा के साथ, और इसी से हम डिवाइड भी कर देते हैं। न्यूमेरेटर में बनेगा 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस 3 अयोटा माइनस 3 अयोटा, 2 अयोटा इंटू 2 4 अयोटा, और 2 अयोटा इंटू माइनस 3 अयोटा माइनस 6 अयोटा स्क्वेयर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अब न्यूमेरेटर में बना जेड वन बाई जेड टू इक्वल्स टू 2 माइनस 3 अयोटा और माइनस 4 प्लस 4 अयोटा से प्लस अयोटा आ जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 लगा देते हैं, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो माइनस 1। इससे Z1 बाई Z2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6, उसको 2 के साथ इकट्ठा कर देते हैं लाइक टर्म की सूरत में, और अयोटा जो है वो इनके लिए अनलाइक है, उसको अलहदा कर देते हैं 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 9। इससे बनेगा 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस अयोटा, और डिनोमिनेटर में 9 प्लस 4 13। तो अगर रियल और इमेजनरी पार्ट हम अलहदा अलहदा करें तो 8 डिवाइड बाई 13 प्लस 1 बाई 13 अयोटा, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसकी सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले तो एलसीएम हम ले लेते हैं 2 प्लस अयोटा, 3 प्लस 2 अयोटा, और 1 माइनस 2 अयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 प्लस 2 अयोटा के साथ, और ये जो 4 माइनस अयोटा है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 प्लस अयोटा के साथ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लें कि हमने कर लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ऊपर वाली वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 अयोटा 2 अयोटा, माइनस 2 अयोटा इंटू 3 माइनस 6 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 2 इज 4 अयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम 2 इज 8, और 4 इंटू अयोटा 4 अयोटा, माइनस अयोटा इंटू 2 माइनस 2 अयोटा, और माइनस अयोटा और प्लस अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4 अयोटा, अयोटा इंटू 3 3 अयोटा, और अयोटा इंटू 2 अयोटा 2 अयोटा स्क्वायर। इससे बनेगा 3 प्लस 8 11, और 2 अयोटा और 4 अयोटा 6 अयोटा, और ये 6 अयोटा, ये जो 7 वाला 6 अयोटा उसको कैंसिल कर देगा, उसको लिहाजा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और ये माइनस 4 अयोटा स्क्वायर और माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 5 अयोटा स्क्वायर, और हमारे पास नीचे क्या बच गया 6, 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा 7 अयोटा, और यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर माइनस 1। इससे हमारे पास बना 11 माइनस 2 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वजह माइनस 1, डिनोमिनेटर में 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 और प्लस 7 अयोटा। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से 11 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 2 अयोटा, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 अयोटा। तो 11 प्लस जो हमारे पास, यहाँ पे जल्दी मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, 11 प्लस 5, और नीचे 6 माइनस 2, तो ये नीचे तो 6 माइनस 2 जो है वो 4 बन गया, 4 प्लस 7 अयोटा, और ऊपर हमारे पास 11 प्लस 5 जो है ये बनेगा 16 माइनस 2 अयोटा, और नीचे 4 प्लस 7 अयोटा। तो ऊपर 16 माइनस 2 अयोटा रह गया, और नीचे हमारे पास 4 प्लस 7 अयोटा। अब डिनोमिनेटर के हिसाब से मैं रैशनलाइजेशन कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है 16 माइनस 2 अयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 7 अयोटा,
तो इसको मैं 4 माइनस 7 योटा से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 4 माइनस 7 योटा से डिवाइड भी करता हूँ। तो 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 64। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है कैलकुलेटर पे 16 मल्टीप्लाइड बाई 7 112 आयोटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा × 4 -8 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 2 7 14 14 आयोटा स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में 4 प्लस 7 आयोटा × 4 - 7 आयोटा 4 स्क्वेयर -7 आयोटा स्क्वेयर। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला से 64। और ये बनेगा, इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, ये बनेंगे -120 आयोटा और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 वो लगा देते हैं। 4 का स्क्वेयर 16, 7 का स्क्वेयर 49, आयोटा स्क्वेयर -1 तो ये बना जी 64 - 14 - 120 आयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस 49 और ये बना 64 - 14 से 50 - 120 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। तो 50 डिवाइडेड बाय 65 -120 डिवाइड बाय 65 आयोटा। इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो 5 पे दोनों कैंसिल होते हैं, 5 10s are 50, 5 13s are 65 और 5 2s are 10, 5 4s are 20, 24, 5 13s are 65। तो ये इसका रियल पार्ट आ गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। बुक में गालिबन यहाँ पे जो वैल्यू है वो ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, सबसे पहले तो हम -9√ को -1√ × 9√ लिखते हैं। इसी तरीके से -16√ को भी -1√ × 16√ लिखते हैं, जिससे ऊपर वाली वैल्यू बनेगी 2 प्लस 9√3, 3 आयोटा। और डिनोमिनेटर में -5 और 16√4 और -1√ की बजाय आयोटा। अब ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन बन गया, जिसको हम डिनोमिनेटर के हिसाब से अगर इसी रैशनलाइजेशन करें तो 2 प्लस 3 आयोटा ओवर -5 -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं -5 प्लस 4 आयोटा के साथ और इसी वैल्यू से हम डिवाइड भी करते हैं। 2 × -5 -10, 2 × 4 8 आयोटा, 3 आयोटा × 5 -15 आयोटा और 4 × 3 12, 12 आयोटा स्क्वेयर डिवाइड बाय a माइनस b के हिसाब से a² - b²। -10 और 8 आयोटा और -15 आयोटा से बनेगा -7 आयोटा। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 लगा देते हैं। -5 का स्क्वेयर 25, 4 का स्क्वेयर 16, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 लगा देते हैं। -10 के साथ यहाँ पे -12 आ जाएगा और -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस प्लस 16, जिससे ये बना -10 और -12 -22 और -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 11 और 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, जिससे कि हमारा जो रियल पार्ट है वो बना -22 बाय 41 और इमेजनरी पार्ट बना -7 बाय 41 और साथ में आयोटा। तो ये जो है हमारा आंसर होना चाहिए। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का, उसमें सबसे पहले तो अगर हम न्यूमरेटर को ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से सिंपलीफाई करें तो a² + b² + 2ab डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा एज इट इज़। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साथ में 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। तो +1 -1 तो कैंसिल हो गए, ऊपर हमारे पास 2 आयोटा बचा और नीचे बचा 4 प्लस 3 आयोटा। इसकी रैशनलाइजेशन के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। 2 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आयोटा,
माइनस टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया, सिक्स आयोटा स्क्वेयर डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर यानी कि फोर का स्क्वेयर माइनस थ्री आयोटा का स्क्वेयर। तो एट आयोटा माइनस सिक्स आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन, फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन, थ्री का स्क्वेयर नाइन और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू एक दो फिर माइनस वन। सो एट आयोटा प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्सटीन प्लस नाइन, इससे बनता है अगर रियल पार्ट पहले लिख लें तो सिक्स प्लस एट आयोटा नीचे ट्वेंटी फाइव, लिहाजा सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव रियल पार्ट और एट बाई ट्वेंटी फाइव इमेजिनरी पार्ट और साथ में आयोटा। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो टू थ्री टू ज़ार सिक्स, थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाइन आयोटा। अब माइनस टू आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस फोर आयोटा और माइनस सिक्स आयोटा स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में भी इस तरह से वन टू टू टू, वन टू आयोटा आयोटा, टू आयोटा इंटू टू प्लस फोर आयोटा और माइनस टू आयोटा स्क्वेयर, जिससे न्यूमिनेटर बनेगा सिक्स प्लस फाइव आयोटा, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन, डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा प्लस फोर आयोटा प्लस थ्री आयोटा, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन। तो ये सिंप्लीफाई करने से बनता है सिक्स माइनस माइनस प्लस प्लस सिक्स प्लस फाइव आयोटा, टू प्लस टू प्लस थ्री आयोटा, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस थ्री आयोटा। अब जो इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई तो हम डिनोमिनेटर के हिसाब से रैशलाइजेशन कर सकते हैं, ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा, फोर प्लस थ्री आयोटा। इसकी रैशनलाइजेशन के लिए फोर माइनस थ्री आयोटा से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो इससे न्यूमिरेटर में हमारे पास जो चले यहीं पे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ट्वेल्व इंटू फोर फोर्टी एट, और इससे बनता है माइनस ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स आयोटा, फाइव आयोटा इंटू फोर ट्वेंटी आयोटा और फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन आयोटा स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा फोर का स्क्वेयर और थ्री आयोटा का स्क्वेयर, जिसकी सिंप्लीफिकेशन से बनता है जी फोर्टी एट माइनस थर्टी सिक्स आयोटा और प्लस ट्वेंटी आयोटा से बनता है माइनस सिक्सटीन आयोटा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू लगा देते हैं प्लस वन, नीचे फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन, थ्री का स्क्वेयर नाइन, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन। तो फोर्टी एट प्लस फिफ्टीन, और अगर हम इन दोनों लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं और फिर है माइनस सिक्सटीन आयोटा डिवाइड बाय सिक्सटीन प्लस नाइन, तो इससे बनेगा फोर्टी एट प्लस फिफ्टीन, एट प्लस फाइव थर्टीन, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्सटी थ्री माइनस सिक्सटीन आयोटा ओवर ट्वेंटी फाइव। तो अब अगर मैं इसका जो रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है वो अलग अलग करूँ तो ये बनेगा 63 ओवर 25 माइनस 16 आयोटा, 16 बाय 25 आयोटा। तो ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और अगर हम इसके कॉन्जुगेट की बात करें तो वो आएगा 63 बाय 25 प्लस 16 बाय 25 आयोटा, यानी कि आयोटा कंटेनिंग टर्म का हम साइन जो है वो चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इस एक्सप्रेशन को हमने एवेलुएट करना है। आयोटा 18 को मैं आयोटा पावर 2 होल पावर 9 लिख देता हूँ, 1 के ऊपर भी 25 लगा देते हैं, आयोटा के ऊपर भी 25 लगा देते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, और यहाँ पे 1 पावर 25 1 ही रहेगा क्योंकि 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही रहता है। आयोटा 25 को मैं आयोटा 24 प्लस 1 लिख देता हूँ, माइनस 1 पावर 9 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन रहेगा, अगर इवन होती तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता। आयोटा 24 और आयोटा 1 इसके हम ब्रेक कर देते हैं 24 प्लस 1 के हिसाब से, ये बनेगा माइनस 1 प्लस 1 आयोटा 24 को आयोटा स्क्वेयर पावर 12 लिख देता हूँ, और साथ वाला आयोटा एज इट इज़। अगले स्टेप में
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर 12 इंटू आयोटा। अब चूंकि -1 का पावर 12 है जो कि इवन है, लिहाजा नेगेटिव साइन ख़त्म होकर +1 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास रह जाएगा -1 वन बाई आयोटा पावर 3। तो अब जो है मैं अगर इसका एलसीएम ले लूँ तो आयोटा एलसीएम हो गया, -1 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा +1 होल पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं, 1 को मैं शुरू में लिख देता हूँ, माइनस आयोटा को बाद में और आयोटा को नीचे होल पावर 3। और अब जो है ये हमने 1 शुरू में लिख दिया, माइनस आयोटा बाद में और नीचे आयोटा, तो ऊपर ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 AB इंटू ए माइनस बी और नीचे आयोटा क्यूब, तो ये बना 1 का क्यूब 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है, और ये बनेगा -3 आयोटा जब इन तीनों का उसे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के बराबर है, ये उसकी वैल्यू हो गई। सिंप्लीफाई करने से 1 प्लस आयोटा, -3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आयोटा, और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है मैं उसकी बजाय -1 लिख देता हूँ उसकी जो वैल्यू है, तो इससे बना जी हमारे पास 1 के साथ ये -3 आ जाएगा और -2 आयोटा एज इट इज़ डिवाइड बाय -आयोटा, तो ये मेरे पास बना जी 1 माइनस 3 माइनस 2 और -2 आयोटा डिवाइड बाय -आयोटा। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय -आयोटा, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, लेकिन अभी भी डिनोमिनेटर में चूंकि आयोटा है तो हमें इसके कॉन्जुगेट -आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो जाए, तो ये ऊपर बनेगा -2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में -आयोटा स्क्वायर, तो ये बना जी -2 आयोटा। -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जिसको हम +1 कह सकते हैं अगले स्टेप में, तो ये बनेगा अब --++2 रियल पार्ट और -2 आयोटा इमेजनरी पार्ट डिवाइडेड बाय +1, जिसको के मज़ीद लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 2 रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट -2 और जो कि आयोटा का कोएफिशिएंट है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा, बुक में यहाँ पे नीचे 5 नहीं गिवन जो कि गलत है, 5 नीचे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z (z) कॉन्जुगेट हमने मालूम करना है, तो उसकी खातिर मैं अगर इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग कर दूँ तो जेड जो है z1 और ये भी z1 है, तो z1 की वैल्यू है जी 2 माइनस आयोटा, और जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो वो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, और इसके वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में मेरे पास बनेगा डिनोमिनेटर में a² - b² का फार्मूला, क्योंकि a प्लस मिनट ए माइनस बी का फार्मूला हमारे पास आ रहा है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इससे आया इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1/5। अब चूंकि 1/5 हमारे पास एक रियल नंबर है और इसमें आयोटा की इन्वॉल्वमेंट है नहीं, लिहाजा आयोटा के क्वेश्चन के तौर पर हमारे पास इसमें कुछ नहीं है, तो इमेजनरी पार्ट इसका 0 हो गया, क्योंकि इमेजनरी पार्ट आयोटा को कोफिशेंट होता है जो कि यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, इसलिए इसका इमेजनरी पार्ट 0 जो कि हमारा आंसर है।